इंदौर महानगर अग्रवाल समाज का अन्नकूट महोत्सव शुक्रवार 22 दिसंबर को शाम 7 बजे से राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभकाराज गार्डन पर शुरू हुआ। संयोजक राजेश कुंजीलाल गोयल, मंत्री रमेश गुप्ता पीठे वाले, उपाध्यक्ष कल्याणमल खंजाजी एवं महोत्सव संयोजक अनिल एकता दर्पण तथा अभिताभ सिंगल ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्रीनाथ जी तथा अन्य देवी देवताओं को 56 भोग समर्पित कर उनका मनोहारी श्रृंगार भी किया गया। गौरव अग्रवाल ने बताया कि शाम 7 बजे से श्रृंगार दर्शन के बाद सैकड़ों समाज बंधुओं ने सामूहिक आरती की। समाज सेवी दिनेश मित्तल, विनोद अग्रवाल, पत्रकार राजेश चेलावत, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, भाजपा इंदौर महानगर मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमचंद गोयल, निर्मल रामरत्न अग्रवाल, विनोद सिंघानिया, पवन सिंघानिया, टिकमगढ़ डॉक्टर दिव्या, सुनील गुप्ता, अविनाश एस्टर, रामदास गोयल व कई अनेक वरिष्ठ समाज सेवी बंधु इस अवसर पर अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे, पूरा अग्रवाल समाज यहाँ पर एकत्रित होता है, वरिष्ठ जन भी एकत्रित होते हैं। ये परंपरा, चूंकि मैंने 87 से जब काका कुंजीलाल जी गोयल ने परंपरा चालू करी थी, तो 87 से आप सोच लीजिए कि कंटिन्यूएशन में, उसको बाद में राजेश भैया ने इसमें सभी कार्यकर्ता से लेके समाज के सभी वरिष्ठ जन, हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहते हैं और ये सभी अपनापन गिनते हैं इसमें, किसी से कोई वो नहीं रहता है। इसमें समाज का हर तबका, कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ जन तक जुड़े रहते हैं। श्रीनाथ जी का आकर्षक यहाँ पर श्रृंगार होता है, 56 भोग लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अन्नकूट का जो महोत्सव बनता है तो बाबा के उनके दरबार से श्रीनाथ जी के होता है और उसकी परंपरा को पिछले इतने विगत वर्षों से, जिसमें भजन भी होते हैं, सभी जो आनंद पूर्वक 56 भोग लगते हैं और अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद सभी समाज जन लेते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं विष्णु गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस समाज का हूँ और बाकी राजेश भैया के नेतृत्व में पूरा, चाहे अनिल भैया हो, अभिताभ सिंगल हो, हमारे पुराने जितने रमेश गुप्ता जी हैं, जो पुराने सभी चौथमल जी, एरन, समाज के सभी वरिष्ठ जन इसमें जुड़े। देखिए, राजेश कुंजीलाल गोयल जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और प्रतिवर्ष परंपरागत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग इंदौर के लगभग वरिष्ठ जो समाज जन है अग्रवाल समाज के, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन ये यहाँ पर होता है। और इसके अलावा भी प्रतिवर्ष मतलब लगभग एक गतिविधियाँ जो संचालित प्रतिवर्ष होती रहती हैं और वो संचालन के तहत सभी वर्गों, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा वर्ग हो या बच्चे हों, सभी का ध्यान रखा जाता है, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और वाकई में अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आज इतने बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी हुआ है और 56 भोग भी लगाए गए हैं, आपने भी दर्शन किए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा की तो लीला परंपरा है और अद्भुत आज जो श्रृंगार हुआ है वो वाकई में देखने लायक है। आप भी उसकी वीडियोग्राफी करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वो दर्शन का उसका लाभ प्राप्त हो सके। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और सतत ऐसे कार्यक्रम हो इसकी भी मैं शुभेच्छा दूंगा। आपका परिचय? मैं रितेश तिवारी, इंदौर महानगर मीडिया प्रभारी।